हमारे साथ बात करने के लिए शफीक अहमद अंसारी साहब हैं, जो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर, जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म दो बार विधायक चुने गए थे, लेकिन दोनों बार उनकी सदस्यता की अदालत के आदेश की वजह से रद्द हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना दल एस की तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया है, मुस्लिम प्रत्याशी हैं। शफीक अहमद अंसारी साहब, ये बताइए, आप स्वार में दो बार चेयरमैन रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी मानी जाती है मुस्लिम मतदाताओं में जी, तो आपने ये एनडीए से टिकट क्यों लिया और क्या वजह आपको लगती है कि इस सीट पर जीतने के लिए अपना दल एस का प्रत्याशी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, एनडीए ने हम पे विश्वास किया जी, और विश्वास किया है और इंशाल्लाह हर तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुस्लिमों का बहुत अच्छी तरह का रुझान है, कल भी 26 प्रधान हमारे साथ पार्टी ने ज्वाइन किया है, आज भी 43 बीडीसी मेंबर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, हर वर्ग हमारे साथ है, और जो डबल इंजन की सरकार है उसका भरपूर हमें फ़ायदा मिल रहा है, जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे हम। आज़म खान के परिवार से कोई इस बार प्रत्याशी नहीं है, हालांकि इस सीट पर माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है अब्दुल्ला आज़म, दो बार बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है अनुराधा चौहान को जी, वो कितना टक्कर दे पाएंगे आपको? नहीं, वो कोई टक्कर दे पाएंगे, वो तो उन्होंने अनुराधा जी को तो नहीं उतारा है कि वो अपने लड़के की सीट को सेफ करना चाहते थे 6 साल के बाद, चूँकि वो आयोग घोषित हैं जी, और इसलिए उन्होंने मुस्लिम को यहाँ टिकट नहीं दिया, वो ही चाहते थे कि मुस्लिम को टिकट देंगे तो वो यहाँ जम जाएगा, अगर 1% चुनाव जीतता वो तो जम जाता वो, इसलिए उन्होंने अनुराधा को टिकट दिया, और उनका कोई जनाधार नहीं है, वो बिल्कुल रिटायरमेंट की अवधि में है। क्या माना जाए इस बार, मतलब अपना दल एस जो है, जो पिछली बार चुनाव में हार गई थी, हमजा मियां प्रत्याशी थे, आपको मैदान में उतारा है भाजपा गठबंधन ने भरोसे के साथ में, तो क्या आप जनता से वादे कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, और अगर जनता आपको जिता करके विधानसभा भेजती है तो क्या करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, हमें अपना दल ऐसे प्रत्याशी बनाया है माननीय आशीष जी ने, और पूरे गठबंधन ने जी, पूरी भाजपा ने, हम सबका बहुत ही तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि उन्होंने हम पे विश्वास किया और पहली बार मुस्लिम को टिकट दिया है जी, तो मुस्लिमों ने कभी हमारे स्वार टांडा से भाजपा को वोट नहीं दिया था, नाम मात्र किसी ने दिया, लेकिन जब उन्होंने कुछ दिया तो हम लोग भी देंगे उन्हें कुछ, और हमारी जनता पूरा देने का प्रयास पूरी बैठी है, और मैं समझता हूँ मुस्लिमों का रुझान बहुत अच्छे तादाद में आ रहा है, आज भी आप जाके देखिए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि सब मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं एकदम सपोर्ट कर रहे हैं सबका। भाजपा के नेता भी और मंत्री भी कैंप किए हुए हैं जी, कितनी मदद मिल रही है चुनाव प्रचार में? नहीं, बहुत मदद मिल रही है, हमारे काफ़ी सभी जितने सीनियर लीडर हैं सब मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, और चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी वोटर चुनाव जीतेंगे। ये माना जा रहा है कि जो पिछली बार अपना दल ऐसे खड़े हुए थे नवाब हैदर अली खान और हमजा मियां जी, वो कहीं चुनाव प्रचार में आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे थे, नाराज़ बताए जा रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, जो देखिए वो तो जो उन्हें वोट मिला था वो भाजपा का वोट था, 63,000 वोट मिला था, और 2,500 वोट उन्हें अन्य मिला होगा, और वो 60,000 वोट लगभग भाजपा का था, आप दोनों चुनाव देख लीजिएगा पिछले समय 60,000, 65,000, 63,000 वोट भाजपा मिला है, तो वो भाजपा का वोट है, प्लस हमारा अपना व्यक्तिगत वोट भी है, हमारी अपनी बिरादरी भी है और अन्य बिरादरी भी हैं, पसमादा समाज से आते हैं हम, पसमादा समाज भी बहुत अच्छी तादाद में 70% है वहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और लोकल के हैं हम, मतलब क्षेत्र के हैं वो, नवाब जब साहब थे वो शहर के थे, उनसे लोग जनता जुड़ी नहीं थी, और इसलिए उन्हें वोट कम आया, और मुझे इंशाल्लाह मुझे हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप तो अपना दल एस के संगठन में भी रहे हैं, तो उसके संगठन का अनुभव, नगर पालिका चेयरमैन के दो बार का अनुभव जी, और जो ब्लॉक प्रमुख भी आपने बताया कि आप रहे हैं जी, तो ऐसे में आप मुकाबला किससे मान रहे हैं, या कोई मुकाबले में नहीं है? नहीं नहीं, कोई मुकाबले में नहीं है, मुझे देखिए पूरा भरोसा है जनता पे, अनुभव भी है, 27 साल से मैं चाहे सभा सद से लेकर यहाँ तक का मेरा सफर रहा है, तो मैं चुनाव जो भी चुनाव लड़ा हूँ सब जीता हूँ आज तक मैं बसरते। क्या माना जाए कि अब्दुल्ला आज़म की जो स्वार सीट है, इस बार भाजपा का जो गठबंधन है वहाँ पर जीतने में कामयाब रहेगा? बिल्कुल 100% चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, जनता पूरे मूड में है चुनाव जिताने के, हर वर्ग का साथ मिल रहा है, और ये तो सपा मुस्लिमों को भय दिखाती है जी,
कि साहब ये भाजपा ये ऐसा कर देगी, भाजपा ये कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल केवल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए ये सब नौटंकी करते हैं, और भाजपा ने हमें कुछ दिया है तो हमारा फर्ज बनता है हमारे लोगों का कि वो भी कुछ भाजपा प्रत्याशी गठबंधन को समर्थन करेंगे, और मुझे पूरी आशा है। और वो ये भी देख रहे हैं कि चार साल की गवर्नमेंट है, उससे लोग काम होंगे, विकास होगा, और सपा को वोट देने से उसको फायदा तो है नहीं। अब तक के जो दो उपचुनाव हुए हैं रामपुर में, एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ, एक रामपुर शहर विधानसभा सीट जहाँ से आजम खान विधायक होते थे उसका उपचुनाव हुआ, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, और यहाँ पर भाजपा का ही गठबंधन जो है वो लड़ रहा है, आप प्रत्याशी हैं, तो क्या एक बार फिर उपचुनाव में भाजपा गठबंधन हैट्रिक बनाने जा रहा है? देखिए 100% हैट्रिक बनेगी, क्योंकि अभी हमारे आकाश सक्सेना जी जीते हैं और लोधी जीते हैं, और हम भी इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि हम लोकल के भी हैं और हमजा में हमें अंतर भी है। उसका कारण है कि हमारी अपनी बीसी समाज से आते हैं हम, उनका वहाँ वोट बैंक नहीं है। मतलब जो भाजपा ने पसमांदा सम्मेलन कराया था रामपुर में उसका लाभ भी आपको? बिल्कुल, पसमांदा समाज का जो सम्मेलन किया था उसका पूरा लाभ मिल रहा है, जनता बहुत उसमें बैठी है और एकदम जिताने को तैयार है पूरी तरीके से। देखिए अपना दल एस के प्रत्याशी हैं, भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और सुवार विधानसभा सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।